आज की क्लास में हम 1.2 को सॉल्व करने वाले हैं। 1.2 में 7 क्वेश्चन है और 7ों के 7 क्वेश्चन हम इसी क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। किस तरह से इसको करना है देखिए, पहला 140, दूसरा 156, 3825, 5005 और 7429। तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं, पहले का पहला है 140, अभाज्य गुणनखंड किस तरह से हम करते हैं। 1.2 पहले का पहला पार्ट है 140। तो अभाज्य गुणनखंड को ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर किसी संख्या के बाद में 0, 2, 4, 6, 8 आता हो तो वो 2 से विभाजित हो जाएगी। इसको हम 2 से भाग करेंगे तो 7, 14, 0 ऐसे का ऐसे ही। यहां पर 2 से 35 बार, 35 × 70 यहाँ पे क्या होगा, अब ये 2 से नहीं होगा, 3 से देखते हैं। 3 से विभाजिता का नियम ये होता है कि उन संख्याओं का योग 3 के पहाड़े में आता है। 5 और 3 को जोड़ो 8, 8 3 के पहाड़े में आता है क्या, नहीं आता, तो ये 3 से नहीं होगा। उसके बाद अभाज्य संख्या हमारी होती है 5, 5 से करेंगे 5 × 7 = 35, 7 × 7 = 7। अब इसको हम गुणनफल के रूप में लिख देना है। कैसे लिखेंगे, 140 बराबर 2 × 2 × 5 × 7 या 2 × 2 × 5 × 7, इस तरह से इसको हम कर देंगे। सेकंड पार्ट हम करते हैं, सेकंड पार्ट है 156। 156 को किस तरह से करेंगे, इसके बाद में 6 आ गया तो 2 से भाग होगा, ये 2 × 7 = 14, 1 बचेगा 16, तो 2 × 8 = 16। ठीक है, 2 से इसको करेंगे, 2 × 3 = 6, 1 बचा 18 होगा, 2 × 18। फिर यहाँ पर 39, 3 के पहाड़े में आता है, 3 से कट जाएगा, 3 × 3 = 3, 3 × 9। अब 13 सिर्फ अपने आप से ही कटेगा, तो यहाँ पर 13 × 13 हो जाएगा। इसके अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे यहाँ पर, 156 बराबर 2 × 2 × 3 × 13, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 ×13, इस तरह से ये हो जाएगा। उसके बाद थर्ड पार्ट है 3825। 2 से तो ये होगा नहीं क्योंकि इसके बाद में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है। 3 से ट्राई करते हैं, इसको जोड़ते हैं, 5 और 2 = 7 और 8, 15 और 3 = 18, 18 3 के पहाड़े में आता है तो ये 3 से कट जाएगा। 3 से करेंगे, 3 × 3 = 3, 3 × 6 यहाँ पर 22 हो जाएगा, 3 × 7 = 21, 1 × 15 हो गया, 3 × 5 = 15। फिर देखते हैं इसको, 1 और 2 = 3 और 7 = 10 और 5 = 15, 3 के पहाड़े में आता है 15, फिर 3 से हो जाएगा ये, तो 3 × 4 = 12, 3 × 2 = 6, 1 × 15 हो गया, 3 × 5 = 15। अब ये 4 × 2 = 6 और 5 = 11, ये 3 के पहाड़े में नहीं आता, अब ये 5 से हो जाएगा, तो 5 × 8 = 40, 2 बचेंगे 25 हो जाएगा, 5 × 5 = 25। फिर 5 से करेंगे, 5 × 5 = 5, 3 × 5 = 35 हो गया, 5 × 7 = 35। अब से 17 से होगा, अब इसके गुणनखंड लिखेंगे हम 38, 25 बराबर 3 की घात कितनी बार है, 3 × 3 × 5 × 5 × 17, तो 3 की घात 2 × 5 की घात 2 × 17, ये इसका आंसर है। फोर्थ पार्ट इस काम करते हैं, फोर्थ पार्ट है 7429। 7429 इसको करेंगे, 2 से विभाजित करके पहले इसको देखते हो जाएगा क्या, बाद में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है तो नहीं होगा। अब 3 के लिए इनको जोड़ के देखते हैं, 7 और 4 = 11 और 2 = 13 और 9 = 22, तो 22 3 के पहाड़े में नहीं आता तो 3 से विभाजित नहीं होगा। अब ये विभाजित होगा सिर्फ और सिर्फ 17 से, ठीक है, 17 से होगा ये, 17 से 7429। आप चाहे तो इसको ऐसे कर सकते हैं, रफली कर सकते हैं कहीं पर, 17 से 7429 को विभाजित करके ऐसे, 17 × 34 = 34, 17 × 51 = 68, 14 × 60 = 6 बचा, 2 तार लेंगे, 17 × 51, 2 में से 1 × 6 = 5 = 1, 9 तार लिया, 17 × 7 = 119, तो ये आ गया 437। अब 437 किससे विभाजित होगा, ये विभाजित होगा सिर्फ और सिर्फ 19 से, तो 19 से करेंगे, 19 × 19 = 38, कितने बचे, 5 बचा 57 हो गया, तो 19 × 57, अभी सिर्फ 23 से होगा, 23 × 23, इसको ऐसे लिख देंगे, 7 × 4 = 9 बराबर 17 × 19 × 23, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसका हम करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट में है, अच्छा ये फोर्थ, ये था फिफ्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट ये है 5005, ठीक है, फोर्थ पार्टी है 5005।
5, तो ये किससे विभाजित होगा, ये 5 से विभाजित होगा, 5 सिकन 5, यहां पर 0 0 और 5 सिकन 5, अब ये किससे विभाजित होगा, अब ये होगा 7 से विभाजित, ठीक है, 7 सिकन 7, यहां पर 3 बचेगा 0 हो जाएगा 30, 7 चौक 28, 2 बचेगा 21 हो जाएगा, 7 या 21, अब 147 भागो 11 से, 11 एकन 11, 3 बचे और 11 तिया 33, अब ये 13 एकन 13, इसको हम लिख लेंगे 5005 बराबर 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, ये इसके गुणनखंड हो गए। तो पहला क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, इसकी जांच कीजिए क्या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM है। तो हमें क्या करना है, LCM और HCF पहले निकालना है, उसके बाद उसकी जांच करेंगे। तो पहले करते हैं 26 और 91, 26 और 91 पहले से गुणनखंड करते हैं, HCF और LCM निकालेंगे, गुणनखंड करेंगे हम 26 से करेंगे, 2 से, 2 से 13 बार, 13 दूनी 26 और 13 एकन 13, 91 करेंगे 7 से होगा ये 13 बार और यहाँ पर 13 एकन 13। अब HCF और LCM लिखते हैं, पहले लिखेंगे से गुणनखंड, 26 बराबर 2 गुणा 13, 2 गुणा 13, 91 को लिखते हैं 7 गुणा 13। तो HCF के लिए क्या होता है, HCF के लिए वो होता है जो संख्या दोनों में हो, कॉमन हो, तो 13 इसमें भी इसमें भी, तो HCF इसका 13 आ गया। अब LCM की हम बात करें तो LCM हम उसको कहते हैं जो बड़ी घात होती है उसको हम लिखते हैं, जैसे 26 में बड़ी घात क्या है, 2 की कितनी घात है, 1 घात है, इसमें तो नहीं है, अगर यहाँ पे 1 घात है, यहाँ पे 5 घात होती 2 की, ये 3 घात होती तो हम वो लिखते हैं, यहाँ पर 2 की सिर्फ और सिर्फ 1 घात है, इसको 1 लिख लिया, गुणा में 7, 13 की कितनी घात है, यहाँ भी 1 घात है, यहाँ भी 1 घात है, तो 13 लिखेंगे इसको, 2 सत्ते 14 और 14 की 13 से गुणा करेंगे, 3 चौक 12, 1 हासिल, 3 कन 3 और 1 4 गुणा 1 चौक 4, 1 कन 1, 2 4 4 8, 182, तो 182 जो इसका वो LCM आ जाएगा। अब क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि इसकी जांच करनी है हमें, तो जांच क्या करेंगे, यहाँ पर हमें ये जांच करनी है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM, ठीक है, तो लिखते हैं इसको हम, जांच लिखेंगे हम यहां पर, जांच दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणा HCF। तो दो संख्या कौन कौन सी थी हमारी, 26 और 91 थी, गुणा करते हैं 26 गुणा 91 बराबर LCM गुणा HCF, LCM हमारा 182 और ये 13, 182 गुणा 13, ये दोनों बराबर आने चाहिए, तो जांच हो जाएगी हमारी, 26 के और 91 के हम गुणा करते हैं, कैसे करते हैं यहाँ पे कर लेते हैं, 91 26, ठीक है, 6 कम 6, 6 निम 54, गुणा यहाँ पर 2 कम 2, 2 निम 18, तो 6 4 और 2, 6 5 और 8 13, तो 23 66, ये आ गया 23 66, इसको करते हैं 182 और 13 को, 182 और 13 को, 3 दूनी 6, 3 8 24, 2 हासिल, 3 का 3 और 2 5, गुणा 1 दूनी 2, 1 8 8, 1 इकन 1, तो 6, 6, 5 और 8 13, 1 और 1 2, 23 66 भी यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, तो ये हमारा जो रफ काम था, तो ये हमारी जांच हो चुकी है, पहले LCM और HCF निकालेंगे, उसके बाद इसका जो सूत्र है वो लगाकर जांच करेंगे, दो संख्या गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM, इस पर बेस अभी आगे सवाल भी आएगा, ठीक है, वो भी करेंगे हम। तो अब करते हैं सेकंड पार्ट, 510 और 92, 510 और 92, तो 510 के फैक्टर करते हैं हम पहले, यहाँ पर 2 से होगा, 2 दूनी 4, 1 बचेगा 11 हो जाएगा, 2 पंजे 10, 1 बचेगा 2 पंजे 10, फिर होगा ये 3 से, 3 अट्ठे 24, कितने हैं बचे, 1 बचा और 15, तो 3 पंजे 15, उसके बाद ये होगा 5 से, 17 पंजे 85, फिर होगा 17 से, 17 एकन 17, यहाँ पर 92 करते हैं, 2 से होगा 2 चौक 8, 1 बचा 12 हो गया, 2 छिंग 12, 2 से 23 बार, और अब होगा 23 से, अब इसके गुणनखंड को हम फैक्टर में लिख लेते हैं, गुणा में 510 बराबर और यहाँ पर 92 बराबर,
क्या क्या है, 2, 3, 5, 17, 2, 3, 5, 17, 92, 2, 23, 2 × 2 × 23। तो HCF पहले लिखते हैं हम, HCF क्या होगा जो दोनों में है, एक दो तो ये है ठीक है, ये वाला एक दो हो गया, और क्या है जो दोनों में है, इसके दो का जोड़ा नहीं है कोई, जोड़ा बनना चाहिए ठीक है, तो बस दो ही है, HCF हो गया इसका दो। अब LCM, LCM लिखते हैं जो बड़ी घात है, यहाँ पर दो की घात कितनी है, दो है, दो की घात एक ये है एक ये है, तो इसको हम लिख लेंगे दो की घात दो, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, 2 × 2 × 23 सही है। तो यहाँ पर दो की घात एक ही है, लेकिन यहाँ पर दो की घात दो है, दो बार है, दो की घात दो लिखा जाएगा यहाँ पर गुणा। अब तीन की घात कहाँ पर बड़ी है, यहाँ पर तो एक बार भी नहीं है, यहाँ पर एक है तो तीन लिख लेंगे। पाँच यहाँ पर एक बार भी नहीं, यहाँ पर पाँच एक बार है। सत्रह भी एक बार है यहाँ पर, 23 यहाँ पर है, सब हो गए। इस तरह से इसका एलसीएम निकालेंगे, गुणा कर देंगे, 2 × 2 = 4, 3 × 12 = 60, 17 × 23 भाई 4 है, 4 × 12 = 12, 5 = 60, 60 ही लिखा, 17 ही लिखा, 23 ही लिखा गुणा में। अब 17 × 102 = 0 × 23, तो 1020 और 23 की हम गुणा कर लेते हैं, 102 और 23 की हम गुणा कर लेंगे, बाकी जीरो हम ये लगा देंगे। 3 × 6 = 3, 0 × 0 = 3, 2 × 4 = 2, 0 × 0 = 2, 6 × 4 = 3, 2, तो 23 46 0 ठीक है। ये आ गया हमारा LCM और ये आ गया HCF। तो अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे जांच, जांच ठीक है, संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणा HCF। तो संख्याओं का गुणनफल क्या है हमारा, संख्या क्या कहते हैं, 510 और 92, 510 × 92, LCM था यहाँ पर 23 460 और HCF था 2, तो गुणा करते हैं इसकी, यहाँ पर 510 की 92 से 2 × 0 = 0, 2 × 2 = 10 ठीक है, 9 × 0 = 9, 9 × 5 = 45, तो 0, 2, 9, 6, 46, 920 इसकी गुणा आ गई, 46920। इसकी गुणा देखते हैं, 2 × 0 = 2, 6 × 12 = 1, 2 × 4 = 9, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4 ये बराबर आ गए ठीक है। तो जांच इसकी हो चुकी है। उसके बाद हमारा थर्ड पार्ट हो रहा है कि इसमें 336 और 54, इनका ठीक है, पहले एलसीएम निकालेंगे फिर एचसीएफ निकालेंगे, उसके लिए पहले गुणनखंड करते हैं इसके, 336 और 54 यहाँ इसके और यहाँ पर इसके, दो से करते हैं पहले इसको, तो 2 × 2 = 1, 2 × 6 = 12, 1 = 2 × 8 = 16, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, 2 × 4 = 2 × 4, फिर यहाँ पर 2 × 21, यहाँ पर 3 से होगा 3 × 7 = 21, यहाँ पर 7 × 7, यहाँ पर 54 × 2 = 27 बार, 3 × 27, 3 × 3 = 9 और 3 × 3 = 3 सही है। अब यहाँ पर क्या होगा, लिखते हैं 336 के और 54 के, यहाँ पर 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 7, 3, 7, 54 के 2, 3, 3, 3, 2 × 3 × 3 × 3 ठीक है। अब एच सी एफ के लिए क्या होगा, जो कॉमन है जिसका जोड़ा बन रहा है, तो भाई जोड़ा किसका बन रहा है, एक इसका जोड़ा बन गया और एक इसका जोड़ा बन गया बस, और किसका जोड़ा यहाँ पर नहीं बनेगा, तो 2 × 3 = 6 हमारा आ गया एच सी एफ। एलसीएम के लिए जो बड़ी घात है, यहाँ पर देखिए 2 की घात कितनी है, 1, 2, 3, 4, 2 की घात 4 है ठीक है, 3 × 7, यहाँ पर 2 की घात तो एक ही है, 3 की घात 3 है। अब पहले 2 देखते हैं, 2 की घात यहाँ पर 1 है, लेकिन यहाँ पर 2 की घात 4 है, 2 की घात हम बड़ी वाली लिखते हैं 4, 3 की घात यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, 3 की घात हम लिखेंगे 3, 7 तो सिर्फ यहीं पर है 1 की घात, गुणा कर देंगे, 2 की 4 बार क्या होगी, 2 × 4 × 8 × 16, 3 × 3 = 27 × 7, तो 16 × 7 = 112 × 27, और 27 किस में गुणा कर लेंगे, 112 में क्या आएगा, 112 में 27 की गुणा कर लेंगे, 7 ×
14, 7 × 7 और 8, 7 × 7, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 4, 8 × 4 = 12, 1 × 7 = 18, 2 × 10 = 1, 2 × 3 = 3, 3024 इसका आंसर आएगा। 3024 का आ गया एलसीएम और एचसीएफ इसका आ गया 6। अब जांच करते हैं, जांच में क्या होगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। क्या गुणनफल दो संख्याओं का, 336 और 54, 336 54, एलसीएम 3024 और गुणा एचसीएफ 6, गुणा करते हैं 336 और 54 की, सही है, तो 336 54, 4×6 = 24, 2 × 4 = 12 और 2 = 14, 1× 4 = 12 और 1 = 13, गुणा 5×6 = 30, 3×5 = 15 और 3 = 18, 1×5 = 15 और 1 = 16, 4×4 = 8 = 11, 1 × 1 = 2 और 6 = 8, 18×144, 18×144, इसी गुणा करते हैं, 6×6 = 24, 2×6 = 12 और 2 = 14, 1×6 = 0, 1 और 6×3 = 18, बराबर आ गया दोनों, 18×144, 18×144, तो ये यहाँ पर इसकी जांच हो गई। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं, ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, जैसे हमने इसमें किया ना क्वेश्चन नंबर 2 में, ऐसे ही हम इसको कर लेते हैं। करते हैं पहले तीसरे का पहला, तीसरे का पहला क्वेश्चन है हमारा 12, 15, 21, तो 12, 15, 21, यहाँ पर इसको फैक्टर करेंगे, यहाँ पर इसके और यहाँ पर इसके, दो से करते हैं पहले, 2×6 = 12 आ जाएगा यहाँ पर, 2×6 = 12, यहाँ पे 2×3 = 6, 3×3 = 3, 3×5 = 15, 5×5 = 5, 3×7 = 21, 7×7, तो 12 के लिखेंगे यहाँ पर 2×2 = 3, 2×2 = 3, 15 के लिखेंगे 3×5, यहाँ पर 21 के लिखेंगे 3×7, तो पहले एच सी एफ लिखते हैं फिर एलसीएम लिख लेंगे। एच सी एफ क्या बताया था मैंने, जो संख्या तीनों में कॉमन हो जिसका जोड़ा बन जाए, तो दो का जोड़ा बन रहा है किसे, यहाँ पर दो है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं है, तीन यहाँ पर है एक बार, यहाँ पर, यहाँ पर, सिर्फ तीन का बनेगा, तो एच सी एफ आ गया 3। अब एलसीएम की बात करें तो जहां पर घात ज्यादा है, यहाँ पर 2 की घात कितनी है भाई, 2 × 2, 2 की घात यहाँ पर 2 है, ठीक है, तो 2 की घात 2 लिख लेंगे, 3 की घात यहाँ भी 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 लिख लेंगे, उसके बाद 5 1 ही बार है, 7 भी 1 ही बार है, ये 4 हो गया, 4×3 = 12, 12×5 = 60 और 6×7 = 42, 420 इसका एलसीएम आ चुका है और एचसीएफ इसका आ चुका है 3, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, अब सेकंड पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट 17, 23 और 29, 17, 23 और 29, गुणनखंड क्या होंगे इनके 17 के, ये 17×17, यहां पर 23 से 23×23, 29 से 29×29, तो 17 क्या हो गया, 17 को हम यहां पर लिख सकते हैं 17×1, 23 को हम लिख सकते हैं 23×1 और 29 को हम लिख सकते हैं 29×1, तो कॉमन क्या सब में 1 है सिर्फ, ठीक है, तो एच सी एफ इसका आ जाएगा 1 और एलसीएम क्या आ जाएगा, जो बड़ी घात है भाई 17 की बड़ी घात यहाँ पर 17 है, 23 की 23 ही है और 29 की 29 ही है, तो यहाँ पर इन तीनों की गुणा हो जाएगी, पहले हम करेंगे 17 की 23 से गुणा, उसके बाद उसकी 29 से, तो 17 की 23 से करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 391×29, अब 29 की और 391 की हम गुणा कर लेते हैं, ये आ जाएगी 11,339, मैंने रफ पे की हुई है, ठीक है, इस तरह से। तो सेकंड पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हुआ, थर्ड पार्ट करते हैं इसका, थर्ड पार्ट है 8, 9 और 25, 8, 9 और 25, 2 से करेंगे, 2×8, 2×2 = 4, 2×1 = 2, 3 से, 3×3 = 9,
तीन एकन तीन, पांच से पांच पंजे 25 और पांच एकन पांच, तो आठ के फैक्टर दो दो दो, नौ के फैक्टर तीन गुणा तीन, 25 के फैक्टर पांच गुणा पांच। एच सी एफ निकालेंगे, जो बड़ी घात है, दो की बड़ी घात कितनी है यहाँ पर, तीन बार है दो, दो की घात तीन, ये है, ये आ गया। अच्छा एच सी एफ ये हम एलसीएम कर रहे हैं, ठीक है, बड़ी घात के लिए। दो की घात तीन हो गया, तीन की घात यहाँ पर दो आ जाएगा और पांच की घात यहाँ पर दो आ जाएगा। तो दो दुनी चार दुनी आठ, तीन दुनी तीन तिया नौ, पांच पंजे 25, ठीक है। तो 25 अट्ठे 200 गुणा नौ, दो नियम 18, तो 1800 जो है इसका एलसीएम आ चुका है। एच सी एफ के लिए हमने बताया था जो संख्या का जोड़ा बन जाए, किसका जोड़ा बन रहा है यहाँ पर, दो इसमें इसमें नहीं है, तीन इसमें इसमें नहीं है, एच सी एफ सिर्फ और सिर्फ एक आ जाएगा। जब किसी का जोड़ा नहीं बनता है तो उसका एच सी एफ जो है वो एक आ जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री जो है कम्प्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर फोर की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर में क्या है, एच सी एफ दिया हुआ है इन दोनों का नौ, ठीक है, 306 और 657 का एच सी एफ नौ है, तो एलसीएम इन दोनों का ज्ञात करना है हमें, ठीक है। वो वाला सूत्र लगा देंगे, ये वाला, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एच सी एफ गुणा एलसीएम। तो करते हैं, जो दिया हुआ पहले वो लिख लेते हैं। यहाँ पर दिया एच सी एफ 309 और 657 का, चौथा क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पे, एच सी एफ दिया हुआ है 9, एलसीएम जो है वो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो संख्याएं क्या क्या हैं, संख्याएं हैं 306 और 657 का, ठीक है। हमने क्वेश्चन इसको फेयरली नोट कर लिया है, क्या मतलब इसका, दो संख्याएं दी हुई है ये, इनका एच सी एफ ये दिया है और एलसीएम ये दिया हुआ है। सूत्र लगाएंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एच सी एफ। संख्या क्या है, 306 और 657, तो 306 और 657 का गुणनफल हो गया ये। एलसीएम हमें नहीं पता, एच सी एफ नौ हो गया, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर इसको ऐसे लिखेंगे, 306 गुणा 657, नौ गुणा में है ये, बटे में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको हम कर देंगे, काटते नौ एकम नौ, नौ तीय 27, तीन बचेगा यहाँ पर 36, नौ चौक 36, तो एलसीएम आ गया 34 गुणा 657। अब 657 और 34 से हम गुणा कर लेते हैं रफ पे, 657 और 34 की, चार सत्ते 28, चार पंजे 20 और दो 22, चार छिंग 24 और दो 26, तीन सत्ते 21, दो हासिल, तीन पंजे 15 और दो 17, एक हासिल, तीन छिंग 18 और एक 19, तो 8, दो और एक 3, 6 और 7 13, एक और दो 3 और 9 12, एक और दो 223, 38, ठीक है। दो 22,338 जो है वो इसका एलसीएम आ चुका है, कितना है 22,338। तो चौथा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की ओर। क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या है, क्वेश्चन नंबर फाइव में यह है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या एन के लिए संख्या 6 की घात एन अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ठीक है। ये हमको जांच करनी है, तो कैसे करेंगे इसको, देखिए सीधी सी बात क्या है, अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, ठीक है, यह बात आपको समझनी है, अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके गुणनफलों में, गुणनखंडों में 2 गुणा 5 जरूर आना चाहिए, ठीक है, 2 गुणा 5 जरूर आना चाहिए। जैसे मान लो आपके पास एक संख्या है भाई 40 है, 40 है ना, इसके बाद में 0 आ रहा है, तो इसके फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 दुनी 4 0, फिर यहाँ पे 2 दहाई 20, 2 पंजे 10, 5 एकन 5, कम से कम एक बार तो आ गया ना 2 गुणा 5, चाहे आप कितनी बड़ी संख्या ले लो, सही है, आप यहाँ पर ले लो 60 ले लो, चलो 2 तीन 6 0, 2 से 15, 3 पंजे 15, 5 एकन 5, एक बार तो आ गया है ना 2 गुणा 5, तो जिस संख्या के बाद में 0 आएगा, मान लो कोई संख्या 0 पे समाप्त होना चाहती है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो उसके गुणनखंडों में 2 गुणा 5 आना ही आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो वो हमारी संख्या जो है वो 6 से 5 से विभाजित नहीं होगी। अब 0 पर आना चाहिए तो वो सीधी सी बात है, उसके गुणनखंडों में 2 और 5 आएगा, ठीक है। तो हम यहां पर लिख देंगे कि यदि कोई संख्या
शून्य पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2×5 अवश्य आता है। ठीक है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2×5 अवश्य आता है। अब यहां पर संख्या क्या दी हुई है, 6 की घात n। ठीक है, 6 की घात n, 6 की घात n को हम से गुणनखंड करेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, 2×3, ये तो लिखेंगे, इसके गुणनखंडों में 2×5 आया नहीं। ठीक है, परंतु 6 की घात n के गुणनखंड में 2×5, ठीक है, 2×5 नहीं आता है, इसलिए लिख देंगे जो पूछा है। इसलिए किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर 6n पर, अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 घात n अंक 0 पर समाप्त होना असंभव है। अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 घात n अंक शून्य पर समाप्त होना असंभव है। ठीक है, इस तरह से इसको हम कर देना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम बढ़ लेते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, व्याख्या कीजिए कि 7×11×13+13 और 7×6×5×4 जो भी है। ठीक है, दो सवाल आपके पास, एक सवाल ये है और एक सवाल ये, अलग अलग सवाल है दोनों, ये भाज्य संख्या है, क्यों है ये बताना है। तो मान लो आपके पास कोई संख्या है, ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ये है 10 है, ये भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, भाज्य क्या होती है, जो किसी के पाड़े में आ जाती है, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, इसके 2 से अधिक गुणनखंड, जैसे 2×5 10 और 5×1 5, तो इसको हम लिख लेंगे 10 को 2×5 और गुणा में 1 भी तो लिख सकते हैं इसके, तो ये भाज्य संख्या है। मतलब जिन संख्याओं गुणनखंडों में 2 से अधिक गुणनखंड आ जाए, तीसरा आ जाए, तो वो भाज्य संख्या होती है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 7 है, 7 अब भाज्य संख्या है क्या, नहीं है, इसी गुणनखंड में आएगा सिर्फ 7 और 1 और कुछ नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये हमारी अभाज्य संख्या है। करते हैं इसको 7×11×13+13, ये भाज्य संख्या क्यों है ये इसको बताना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको 13 देखिए, इसमें भी है और इसमें भी, 13 कॉमन लेंगे, 13 कॉमन लिया, यहाँ क्या बचेगा 7×11, यहाँ पर क्या बचेगा +1। जब 13 कॉमन ले लिया तो यहाँ तो 7×11 बचा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा, तो 13×11=77+1, तो 13 यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे गुणा माना जाएगा, 77 और 1 कितने होगा 78। ठीक है, अब गुणा में इसके हम 1 लगा सकते हैं, ठीक है, गुणा में 1 तो लगा ही सकते हैं किसी के भी, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इसके 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण यह है, इसके कारण तो ठीक है, 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण यह है एक भाज्य संख्या है। मतलब क्या है, वह संख्या जिसके गुणनखंड जो है वो 2 से अधिक होंगे तो वो हमारी क्या है, भाज्य संख्या हो जाएगी। इसका एक सेकंड पार्ट और है, उसको हम कर लेते हैं, 7×6×5×4, 7×6×5×4, 3×2×1, 3×2×1+5। अब इसको बताना है क्यों है, तो कॉमन लेते हैं इसमें से और इसमें से, 5 कॉमन है, यहाँ भी है, 5 कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बचेगा 7×6, 4×3 2×1, 4×3 2×1+1, तो 5, यहाँ भी 7×6=42, ये पहले छोटे छोटे कर लेते हैं, 2×3 6, 6×4=24,
24 गुना 42 और प्लस में 1, तो 5, 24 की और 42 की हम गुणा कर लेते हैं, क्या आएगी 24 की और 42 की हम गुणा कर लेते हैं, तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 1 हाँसिल, 4 दूनी 8 और 1 9, 8, 4 और 6 10, 1 और 9 10, 1008 आ गई यहाँ पर, 1008 आ गई प्लस 1 आ गई, तो 5 यहाँ पर क्या आ जाएगा गुणा है 1008 और 1, 1009 से गुणा में हम 1 लिख सकते हैं, तो यहीं पर भी हम लिख देंगे भाई 2 से अधिक गुणनखंड होगा इसके, तो ये भाज्य संख्या हो जाएगी, यहाँ पर लिख देंगे 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण यह एक भाज्य संख्या है, ठीक है। तो छठा क्वेश्चन हमें इस तरह से करना है, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे ये कहा गया है कि किसी खेल के मैदान में, ठीक है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार मतलब जो बिल्कुल गोल गोल टाइप का होता है, ठीक है, गोलाकार पथ है, मान लो कोई खेल का मैदान है, सातवां क्वेश्चन है, नहीं सातवां खेल का मैदान है, उसके बाहर ये गोलाकार पथ है, ये गोलाकार पथ है, वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, और यहाँ से सोनिया चली तो इसको लगे 18 मिनट, ठीक है, और यहाँ से अगर रवि चला तो उसको लगे 12 मिनट, मतलब रवि ने जल्दी इसको एक बार में पार कर लिया और सोनिया ने 6 मिनट लेट के 18 मिनट बाद, तो जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, मान लो वो यहीं से चले एक ही टाइम पे और एक ही स्थान से, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, भाई इस स्थान पर तो वो कई बार मिलेंगे लेकिन पहली बार कम मिलेंगे, कम से कम टाइम में पहली बार कम मिलेंगे, तो जब कम से कम के लिए पूछा जाता है तो वहां पर हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एलसीएम 18 का और 12 का, ठीक है, तो 18 और 12 का हम यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे, तो पहले गुणनखंड करेंगे 2 से, 2 में 18, 3 3 9 और 3 3 1 3, यहाँ पे 12 के 2 6 12, 2 3 6, 3 3 3, तो 18 क्या हो गया 2 × 3 × 3 या यू कहें 2 × 2 × 3, 12 के हो गए 2 × 2 × 3 यानी कि 2 × 2 × 3, तो अब एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, जो बड़ी घात है वो लेते हैं, वो यहां पर ये 2 3 3 है, ठीक है, 2 3 3, तो 2 × 3 की घात 2, सही है, 2 × 3 की घात 2, यहां पर 2 2 3, तो यहां पर 2 की घात 2 × 3, अब एलसीएम जो बड़ी घात होती है, 2 की बड़ी घात कितनी, यहाँ पर 1 है यहाँ पर 2 है, 2 की घात 2 हम यहाँ पर लेंगे, 3 की बड़ी घात कितनी है, 3 की बड़ी घात है 3 की घात 2, 2 × 2 = 4 × 3 = 9, 9 चौक 36, ठीक है, तो वो मिलेंगे 36 बार, 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, अतः 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो इस तरह से आपकी 1.2 कंप्लीट हो चुकी है, 1.1 हमने करवा दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में आपकी 1.3 कराई जाएगी, और इसके अलावा इंग्लिश की क्लासेस भी हमारी चल रही हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा आर के सिंह स्टडी सेंटर को, थैंक यू, जय हिंद।